स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे में, और ये इनका एंट्री पास है। विवान, हम लोग जा रहे थे विवान, हमें रास्ते में मिल गया, बाय करना है। विवान बाय करो, बाय करो। जिसकी मैं बात कर रहा, जो हमारी भैंस आई है वो ये है, क्या नाम था, भूरी। और खाया था थोड़े बहुत चिप्स वगैरह, खा लिए थे। चिप्स खा के बैठे हैं ये लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज शनिवार है और आज ना 3-4 दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। पिछले 3-4 दिन से ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑफिस का काम इतना जोरों तोरों से चल रहा था ना भाई साहब। सुबह बैठ रहा था 9 बजे और शाम को 7 बजे, 7:30, 8, कोई टाइम ही नहीं था, कंटिन्यूसली काम चल रहा था। दिन में खाना खाने भी मैं 4, 4:30 बजे उठ रहा था, तो काम बहुत था ऑफिस में, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। आज शनिवार है, छुट्टी है, तो आज मैं रात मैंने ब्लॉग एडिट नहीं करा, मुझे लगा सुबह ही कर लूँगा, तो देखो सुबह लैपटॉप लेके बैठ गया, ब्लॉग एडिट भी कर रहा हूँ और ब्लॉग शूट भी कर रहा हूँ। बाकी भी थोड़ी देर पहले मम्मी नाश्ता भी देके गई है, देखिए नाश्ता। और आज नाश्ते में गोभी के परांठे, दूध, छुआरे बादाम। तो जैसे ही नाश्ते में पता चला कि गोभी के परांठे हैं और देखा, तो मैंने ब्लॉक छोड़ के नाश्ते की तरफ चला गया। एकदम भूख सी लगने लगी, अंदर से आवाज़ आने लग गई कि भाई खा ले, तो मुँह में पानी आने लगा गोभी के परांठे के नाम से। तो अब नाश्ता करते हैं। बाकी आज बच्चे लोग जा रखे हैं, रिंकू तो जा रखा है स्कूल, और मनु कुन्नू का आज स्कूल में क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो वो लोग तो वहाँ जा रहे हैं। कुन्नू की मेरे ख्याल से रेस वगैरह है, पर मनु तो ऐसे ऑडियंस बन के जा रही है। तो फिलहाल तो नाश्ता कर लेते हैं, और अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा आगे हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाऊँगा, बाकी देखेंगे थोड़ी बहुत देर में कैसे कैसे प्लान बनता है। नाश्ता करते हैं पहले। तो ये देखो दोस्तों, ये आ गए तैयार होकर बाहर। बताओ कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? हम स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे में, और ये इनका एंट्री पास है जिससे ये लोग एंट्री करेंगे। एक एंट्री कार्ड से कितने बंदे जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। तो तुम 3 कैसे जा रहे हो? वो अपने दोस्त के साथ जाएगी एंट्री पे। है अपने दोस्त के साथ जाएगी? हाँ। और तेरे साथ कौन जाएगा फिर? मैं। रिंकी? और रिंकी को ऐसे गार्जियन लेके जा रहे हैं दोनों। तो कुन्नू की तो रेस है और मनु ऑडियंस बनने जा रही है, चीयर अप करने कुन्नू को। रेस अभी श्योर नहीं है, अभी रेस होगी भी या नहीं। अपने पातो। तुम्हारे लिए कह रही दादी? अरे तो वो ऐसा मेरे सासुमा ही पात लेंगे, कोई ना। और ये जो बात चल रही है गोबर पातने की, चाची की, घर एक नया मेहमान आया है, बता दो क्या है? हमारी भैंस आई। भैंस आई है चाची की? भूरी। भूरी नाम है भाई। बिंदी। बिंदी? हाँ। दादी ने बिंदी रख रखी और चाची ने भूरा, भूरी। तो नई भैंस ली है चाचा ने, वही मैं भी थोड़ी बहुत देर में आपको दिखाऊंगा जब मैं मनु कुन्नू को छोड़ कर जाऊंगा। मैंने गाड़ी की चाबी ले ली और इन लोगों को छोड़ने जा रहा है स्कूल। तो अभी कंचन है कहाँ? तो वो सेवा करेगी भैंस की? तो कह रहा था भैंस लो, मैं ले रहा हूँ। चाचा ने बोला ले, जो तेरा साथ हो जाएगा भैंस भी ले आऊंगा। तो इन्होंने मेरे लिए ले रखी भैंस और कंचन के लिए। कंचन करेगी उसकी सेवा? कंचन करेगा, सोनू करेगा, दादी करेंगे। दादी तुम साथ तो दोगी? हाँ, साथ तो दे, सबका ही दे रही हूँ। ये देखो चाची विवान को लेके बैठी है। विवान, हम लोग जा रहे थे विवान, हमें रास्ते में मिल गया, बाय करना है। विवान बाय करो, बाय करो, बाय करो, ये शैतान हो गया बहुत ज्यादा। और मैं जा रहा हूँ मनु कुन्नू को छोड़ने। अब हुआ क्या है वो देखो, सामने मनु की जो फ्रेंड है वो आई है स्कूटी से, और पहले सोचा था हम लोग गाड़ी से जाएंगे, अब पता नहीं क्या सीन है, अब वो स्कूटी से जाएंगे तो फिर मैं लेके नहीं जाऊँगा इन लोगों को। ये भी आ गया हमारे साथ, और एक फ्रेंड तो उसकी चली गई स्कूटी से, और एक फ्रेंड मनु की है जो कि हमारे साथ जाएगी। आ गया है भाई कुन्नू भी, चले। हाँ चले, लेट हो गए भाई। कुन्नू, आज खाने वाने का बंदोबस्त भी है क्या तुम्हारे स्कूल में? नहीं है? वो तो बस पार्टिसिपेंट्स जो होंगे उनको मिलेगा खाना। नहीं, तू तो पार्टिसिपेंट है? नहीं, मेरा भी श्योर नहीं है ना, अगर उन्होंने कम पड़ा मेंबर एक तो मैं चला जाऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। अच्छा भाई, बाय करो। बाय कर दो। टाटा, बाय। जाओ भाई। और सामने देखो स्कूल एकदम बढ़िया से सजा रखा है इन्होंने। लेने भी आना तुम्हें? कॉल कर देंगे। ओके चलो बाय। वो देखो बढ़िया से स्कूल सजा रखा आज एकदम मस्त। तो चलते हैं, इन्हें तो मैंने उतार दिया है, अब थोड़ी बहुत देर में जब ये फोन करेंगे, फोन लेके गई है वो, तब लेने आऊंगा। बाकी एकदम बढ़िया से भीड़ लग रही है। अब कुछ बच्चे तो स्कूल की ड्रेस में आए हुए हैं, कुछ बच्चे आए हुए हैं नॉर्मल कैजुअल में। ये तो स्कूल के ड्रेस में आए हैं, ये लोग कह रहे थे कि जो कैजुअल में आ रहा है उसे एंट्री नहीं दे रहे, पर इसलिए ये लोग स्कूल के ड्रेस में आए थे। चलो चलते हम तो घर। तो गाइस मनु कुन्नू को तो छोड़ के आ गया मैं, और इधर देखिए
जिसकी मैं बात कर रहा, जो हमारी भैंस आई है वो ये है, क्या नाम था, भूरी और बिंदी। दादी ने तो बिंदी रख रखा है, बिंदु बिंदु, और चाची ने भूरी। तो ये लेके आया भाई छोटे चाचा भैंस। हाँ इसके माथा देखो यहाँ पे सफेद है, मार ये तो मरखंडी है, मार रही है। तो जैसे हमारी लाली मारने को आती है चाची के अलावा किसी को पास नहीं जाने देती, ऐसी ये कर रही है। थोड़े दिन बाद चाची कुछ छोटी चाची को पास जाने देगी, वरना किसी को नहीं जाने देगी। ये देखो कैसे मार रही है, ऐसी कर रही है। दूध दे रही है कि नहीं दे रही है अभी आएगी नहीं। जोकार ने मतलब क्या होता है, जोकार मतलब यूं सिर ला रही, डरा रही, मारने की नहीं मार। ये देखियो पहले ऐसा नहीं जाते ना, तो जानवर है मार भी दे। अच्छा अच्छा अच्छा, 8-10 तारीख को। सो इस 8-10 तारीख को मतलब और 5-6 दिन बाद ये ब्याह जाएगी हमारी भैंस, और हमें खीस पीने को मिलेगा घर का ही। तो अभी तो आजकल हम बाहर से लेकर आ रखे थे, पहले पालते थे हम भैंस, फिर हमने बीच में छोड़ दी थी बिल्कुल भैंस गाय कुछ नहीं, फिर गाय रखी एक और अब भैंस भी ले आए। तो 7-8 तारीख को जब ये ब्याह जाएगी 5-6 दिन बाद, तो फिर घर का दूध और घर का खीस हो जाएगा। तो अभी तो है ब्याहने में टाइम, चलते हैं हम लोग भी घर। और दादी उसे अंदर भी बांधने जा रही है, दादी को नहीं मार रही है, हम लोगों को मार रही थी क्योंकि हम पहली पहली बार गए थे। किवाड़ बंद कर दो, कहीं बाहर आ जा। चलो चलो तुम लेके चलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अंदर बांध रहे क्योंकि यहाँ धूप हो रही है ना, धूप लग रही होगी भैंस को, तो इसलिए अंदर बांध रही है दादी। तो दो दो जानवर हो गए हमारे यहाँ, हाँ तीन तीन जानवर, एक बच्ची अभी तो है। सो गाइस दोपहर के 3 बज गए और अभी जस्ट मनु का फोन आया है कि उन्हें लेने जाना पड़ेगा स्कूल में, मनु कुन्नू और लिंकी को। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खाना वगैरह खाया था, इतने में उनका फोन आ गया, तो पहले जल्दी से उन्हें ले आता हूँ। खाना खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूंगा, लेकिन पहले ले ही आता हूँ। सो स्कूल में तो मैं पहुंच गया हूँ और कुन्नू सेट भी आ गए। कैसा भाई तुम्हारा फंक्शन? अच्छा था, बोर हो गए थोड़े से, नहीं रेस नहीं हुई। तेरी रेस नहीं हुई? नहीं, वैसे भी वो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इसकी रेस नहीं हुई। रेस नहीं हुई इसकी? नहीं, इसके साथ प्रैंक हो गया? नहीं, प्रैंक पता था पहले से, ये तो ऐसे गया था। अच्छा मजा आया? हाँ अच्छा था, पर बोर हो गए थोड़े से। अच्छा भी नहीं था इतना? हाँ ठीक था। सो मनु ने अपनी फ्रेंड को तो यही छोड़ दिया, क्योंकि उसका घर कहाँ पर है? उसका घर गाँव में, बाखरपुर गाँव। बाखरपुर गांव में तो दूर पड़ता, तो रिक्शा करके जाएंगे यहाँ से। लंच किया तुमने? लंच तो क्या ही किया होगा, अब घर जाया करोगे? कैंटीन पैक करते जो मैं खाया था, थोड़े बहुत चिप्स वगैरह खा लिए थे। चिप्स खा के बैठे हैं ये लोग। और वरदान जी, मैंने एसी चला रखा है, आपने शीशा खोल रखा, देखो वरदान जी। पता नहीं था, पता नहीं था। हमारे स्कूल में जो चीफ गेस्ट बन के आए थे वो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यानी डीएम बन कर आए थे, चीफ गेस्ट। मिले तुम डीएम साथ बात मिला? नहीं। कुन्नू की रेस नहीं हुई, कुन्नू के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, बेचारा प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन इसकी रेस नहीं हो पाई। पर कोई नहीं, आज तेरी रेस मैं कराऊंगा घर में, 3-4 चक्कर लगवाऊंगा। नहीं नहीं, काम के ठीक है ना भैया, हीरो बन के जा रखा था। थक गए वैसे भी हमें। इन दोनों को देखिए, जब से ये स्कूल से आई है अपने तब से ये लैपटॉप लेके लगी है, क्या देख रहे हो बताओ? और वो तो सो रखी थी। कौन सी मूवी? लीजा वाली, भूत की लीजा। और ये भी आ गया, ट्यूशन से आया है, आजकल हीरो बन के जा रहा है ट्यूशन, बी स्ट्रॉन्गर बन रहा है, मसल बेच के इसने टी शर्ट पहन रखी है। तो बॉडी वॉडी बना रहा है क्या? अभी नहीं। अच्छा भाई, तो भाई शाम के 5:30 बजने वाले हैं और चाची भी दूध धो के आ गई, पर छोटी चाची तो उनकी भैंस तो भी दूध देती नहीं, तो उन्होंने दूध निकाली, भैंस देख के आई है। बड़ी चाची दूध निकाल के आई, तो भैंस अभी दूध दे आ रही है, धुआं करके आई हो। तो गाइस रात के 9 बज गए, 9:15 हो गए और डिनर की भी तैयारी हो गई, और आज ना नींद भी आ रही है बहुत तेज, मतलब थकावट सी हो रही है, हालांकि कुछ करा नहीं है लेकिन नींद सी आ रही है। तो जल्दी जल्दी खाना वगैरह खा के निपटा के काम वगैरह, आज ब्लॉग एडिट करूंगा नहीं, सुबह एडिट करूंगा क्योंकि सुबह संडे है। और इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।